हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनूप शर्मा। टुडे आई विल डिस्कस द न्यू टॉपिक नोइंग आवर नंबर्स फॉर क्लास सिक्स। डे 21 अप्रैल 2020 एंड डे ट्यूसडे। डे द फर्स्ट पार्ट ऑफ नोइंग आवर नंबर्स। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इज द हाईएस्ट नंबर ऑन द डाटा एंड स्मॉलेस्ट इज द सबसे छोटा नंबर। 54 to 56 ग्रेट, 3578, 1245 एंड 6। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। जैसा कि आप जानते हैं, जो रेक्टेंगल की जो बॉक्स में बना हुआ है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, और जो सर्कल की फॉर्म में है 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। लेट मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। हम ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये 3, 4, 7, 1, ये हमें एक पैकेज दे रखा है डिजिट्स का। ये क्या है? डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट, ये सभी क्या है? डिजिट्स हैं। इनसे हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी सबसे बड़ा 7, उसके बाद उससे छोटा 4, फिर 3, फिर 1। मींस ग्रेटेस्ट नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में उनकी डिजिट्स को लिख देंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। मींस सबसे पहले सबसे स्मॉल 1, नेक्स्ट फिर 3, फिर 4, फिर 7। अब हमारे दो टाइप से होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में किस तरीके से उनको लिखते हैं हम वो देखेंगे। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले होता है डिजिट 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000s, 10000s, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से बना होता है। इसमें क्या होता है? ये फैमिली होती है, ये ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप हो गया 1s, 10s, 100 का, एक पूरी फैमिली हो गई। उसके बाद ये 10,000 और 1000s का, ये भी अलग अपना एक फैमिली हो गई। लैक 10 लैक की, ये अपना एक ग्रुप अलग हो गया, और करोड़ 10 करोड़ का अलग हो गया। यानी हम जो कॉमास पुट करते हैं वो फैमिली वाइज करते हैं। जैसे इसका एक ग्रुप है 1s, 10s, 100 में कॉमा, 1000s पे कॉमा आएगा, लैक पे कॉमा आएगा, और करोड़ क्या है। जैसे हमें नंबर लिख दिए 2, 9, 1, 3, 4, 5, 4, 3। अब इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको? ये करोड़ पे कितना आ रहा है? 2, मींस 2 करोड़। अब ये पूरा पैकेट है, फैमिली है इसकी, तो इसे क्या बोलेंगे? 2,91,34,000। ये पूरा थाउजेंड्स का है, 34,543। हमारा इंटरनेशनल सिस्टम पे आते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर क्या आता है? 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से होता है। 10,000 सेम रहता है, उसके बाद क्या? 100,000 मिलियन, यहां लैक होता है तो यहां मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन होता है। जैसे अब इसकी जो फैमिली होती है, इसका जो ग्रुप होता है, 1s, 10s, 100 का अपना अलग ग्रुप होता है, यानी कोमा यहाँ आएगा, 100,000s, 10,000s और 1000s का ग्रुप अलग होता है, 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन का ग्रुप अलग होता है। इट मीन्स हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 798,654,132। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये लिखना है 1 करोड़ = 10,000, यानी 1 करोड़ में कितने 10,000 होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप इंडियन सिस्टम में लिख लेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10 लाख। अब यहाँ पे करोड़, यहाँ पे क्या है? 1 करोड़, यानी केवल करोड़ पे क्या आ रहा? 1,
ऑल डिजिट्स कैसी आ रही हैं, ब्लैंक आ रही हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, जीरो जीरो लिख देंगे, यानी जीरो 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 जीरो। अब यहाँ पे क्या है, 10,000s यहाँ पे पुट करते हैं, 10,000s पे वन आएगा और जितने भी डिजिट्स ब्लैंक हैं यहाँ पे क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो। अब यहाँ पे काउंट करते हैं ये जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 जीरो है। यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरोस हैं। तो ये 4 जीरो 7 जीरो कब होंगे, हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 3 जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स 1 करोड़ इक्वल टू 1000 10,000 के इक्वल होगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं आपको बताना है, 1 मिलियन में कितने 10,000 होते हैं इसको बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम रखेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स हंड्रेड थाउजेंड्स मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा, 1 मिलियन, तो मिलियन की जगह 1 लिखा और सभी जगह क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। और यहाँ पे है 10,000, तो 10,000 पे 1 आएगा और जितनी भी डिजिट्स हैं आगे वहाँ पे प्लेसेस जो हैं वहाँ पे क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो। अब इनकी जीरोस को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जीरोस कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4, यहाँ 6 जीरोस, यहाँ 4 जीरोस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 जीरोस का और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कितना, 100, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100। अब वर्ड्स को न्यूमरल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे 9,05,41, ये आपको क्या करना है, ये आपको न्यूमरल्स में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स लैक टेन लैक करोड़। करोड़ पे देखते हैं क्या आ रहा है, 9 करोड़, यानी करोड़ के नीचे क्या आएगा, 9। ओके, फिर क्या है, 5 लैक, लैक का ऑप्शन कहाँ है, ये है लैक, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 लैक। 41, यानी वंस पे 1 और 40 यानी टेंस पे क्या आएगा, 4, यानी 41। और जितनी भी डिजिट्स ये ब्लैंक रह गई वहां पे क्या आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 9,05,00,041। लेकिन जो कॉमास पुट करते हैं, मैं बताया था आपको, ये मान लीजिए इंडियन सिस्टम में क्या करेंगे, 3 के बाद 2-2 पे कॉमा लगाएंगे, और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या करते हैं, 3-3 के बाद कॉमा जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 58,423,202, ये आपको क्या करना है, न्यूमरल्स में लिखना है, न्यूमेरिक में लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड्स मिलियन टेन मिलियन। अब ये देखिएगा, 58 मिलियन, यानी मिलियंस वाले ग्रुप में ये आ गया 58। नेक्स्ट क्या है, 423,000, यानी 423,000 वाली फैमिली में आ गया 202, यानी 200 पे आ गया, लेकिन 2 क्या है, 1, तो यहाँ पर टेंस की जगह पे क्या आएगा, 0। ओके, अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, वो आप घर से होमवर्क में करने हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, लिखना है फर्स्ट, जैसे दिखता हूं लिखा हुआ है 9,018, ये आपको क्या करना है, न्यूमरिक में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है। इसके सभी क्वेश्चंस हैं, आप इनको पॉज कर करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल नंबर्स इन वर्ड्स, ये आपको क्या करना है, सभी जो नंबर्स दे रखे हैं वो वर्ड्स में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लैक, यानी कितने थाउजेंड्स एक लैक को बनाते हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपको उस तरीके से करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल्स, यानी इन सिंबल्स का यूज करके बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट।